आईडी से थाना क्षेत्र में एक टिप्पर चालक ने बाइक सवार को रौंद डाला। उपचार मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मृतक महाजनवाड़ी हिंगना रोड निवासी कबीलाल उर्फ गुड्डू गयाराम पटेल बताए गए। जयंती के निमित्त मंदिर में दर्शन करने गए वृद्ध के गले से महिला चोर ने सोने की चेन उड़ा ली। पुलिस ने सुभाष रोड निवासी कुंदा प्रदीप राव सावंत की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। नागपुर से सिवनी जबलपुर मंडल अरीवा होते हुए प्रयाग बनारस जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण कुरई घाटी का निर्माण कार्य चल रहा है। कार्य की प्रगति का जायजा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को करेंगे। इन दिनों सिटी में नाइट कर्फ्यू जारी है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के कारण पुलिस द्वारा जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है। हर बार रात भर गुजार रहने वाले होटल ढाबे और बियर बार भी बंद रहेंगे। इस हालत में लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर ही 31st का आनंद लेने का मन बना लिया है। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए वर्तमान में जारी विभिन्न गाइडलाइंस के साथ जारी लॉकडाउन को 31 जनवरी तक विस्तार किया गया है। महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा यह आदेश जारी किया। लंदन से विवाह समारोह में शामिल होने आई एक 43 वर्षीय महिला और एक 6 वर्षीय बालक को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मेडिकल के पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया है। दोनों को नए स्ट्रेन की संभावना के मद्देनजर रखा गया है। बुधवार को एक छात्र नायलॉन मांझे से शिकार हुआ। उसकी गर्दन बुरी तरह से कट गई। निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जख्मी छात्र शकील नगर गोदनी निवासी आदित्य संतोष भारद्वाज बताया गया। NSUI की ओर से जिलाध्यक्ष आशीष मंडपे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के समक्ष आंदोलन किया। इस दौरान प्रवेश से रोकने पर छात्रों ने यूनिवर्सिटी का गेट बांध कर उपकुलपति के कार्यालय में उनके समक्ष अपनी मांगे रखी। तावने तहसील की बिड़गांव जटाम खोरा ग्राम पंचायत ने दूसरी बार आदर्श गांव का संदेश लेकर इस ग्राम पंचायत के 3 प्रभागों में से 5 लोग निर्विरोध चुने गए। रेलवे के वैगन रिपेयरिंग का काम करने वाली कंपनी के अधिकारी से 60,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़ा गया अधिकारी फ्रेंड्स कॉलोनी गिट्टी खदान निवासी सचिन जय शेलार बताया गया।